हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका डेटा फ्लेयर नोड जेएस के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में। बहुत टाइम से, बहुत दिनों से बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही कि सर नोड जेएस का कोर्स आप कब से शुरू करेंगे, नोड जेएस स्टार्ट करिए। तो चलिए बात करेंगे नोड जेएस के बारे में और स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक इस कंप्लीट कोर्स को यहां पर हम कवर करने वाले हैं विथ मिनिमम 50 प्रोजेक्ट के साथ में। एंड बिलीव मी, इफ यू कंप्लीट दिस कोर्स रेगुलरली फोकस के साथ, तो यू विल बिकम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, राइट। लेकिन उसके लिए आपको और कौन कौन से टेक्नोलॉजीज पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा टू बिकम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर यूजिंग नोड जेएस। आपको HTML, CSS कितना आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है इसमें, इन सारे कॉन्सेप्ट को यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बिलीव मी, दिस टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजी इन करंट ईयर, राइट, इन करंट ईयर, इवन इन द प्रीवियस ईयर, इवन इन द फ्यूचर। ओके, मतलब कहने का है कि करंट एरा की एक बहुत डिमांडिंग टेक्नोलॉजी जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। एक्साइटेड, नई टेक्नोलॉजी है यार, नई टेक्नोलॉजी, नया जोश, नई उमंग, तो एक्साइटमेंट लेवल कितना है ये बताइए, कमेंट करिए और बताइए मुझे कि कितने एक्साइटेड हैं आप इस नई टेक्नोलॉजी को लेके। तो शुरुआत यहां से करते हैं कि सर नोड जेएस क्यों पढ़ना है। देखिए, यदि आपने मेरे प्रीवियस टेक्नोलॉजीज के में पढ़ा हो या अगर आपने मेरे कोई कोर्स डेटा फ्लेयर की वेबसाइट से पढ़े होंगे, ऑब्वियसली बातें पढ़े होंगे। ओके, तो मैं हमेशा यही बात करता हूं, व्हाई। कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब शुरू होती है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, व्हाई, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ नोड जेएस, राइट। व्हाट इज नोड जेएस, क्या है नोड जेएस, और तीसरी स्टेप में फिर हम इस पे बात करेंगे इसको कैसे सीखा जाएगा। क्योंकि आप देखिए, यदि आप डायरेक्टली सीखना शुरू कर देंगे तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन आपके इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे। कि अगर आपसे पूछ ले ओके व्हाई यू लर्न नोड जेएस, व्हेन देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज, आपने नोड जेएस ही क्यों प्रेफर किया, राइट, देन व्हाट इज नोड जेएस, क्या है नोड जेएस। ओके, तो शुरुआत यहां से करते हैं हम। देखिए आप, कि नोड जेएस इज, यू कैन से दैट इट्स एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट, है ना, जावास्क्रिप्ट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। तो नोड जेएस के लिए यदि आप मेरी माने तो प्री रिक्विजिशन जो मैं बात करता हूं नोड जेएस को पढ़ने के लिए, यदि आपको जावास्क्रिप्ट आती है, यू नो द जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट, देन इट इज बेटर फॉर यू दैट यू कैन अंडरस्टैंड द नोड जेएस कॉन्सेप्ट, राइट। क्योंकि नोड जेएस जो है वो जावास्क्रिप्ट से ही एक्सटेंडेड होकर आगे डेवलप हुआ है। तो कैसे, क्यों, क्या मतलब है, तो आप देखिए, यदि हम बात करें एक वेब एप्लीकेशन की, है ना, कि मान लो अगर कोई भी वेब एप्लीकेशन को जब हम डेवलप करने की बात करते हैं, तो उस वेब एप्लीकेशन में दो बात होती है, एक होती है क्लाइंट साइड, एक होता है क्लाइंट, और एक होता है आपका सर्वर, राइट। मतलब हम सीधी सीधी बात करते हैं, आपको पता है हर वेब एप्लीकेशन केवल दो कॉन्सेप्ट पे चलती है बच्चे, वेब एप्लीकेशन केवल दो कॉन्सेप्ट पे बात करती है, क्लाइंट देता है रिक्वेस्ट, ठीक है, और सर्वर को मिलता है रिस्पॉन्स, ठीक है, क्लाइंट देता है रिक्वेस्ट और सर्वर को मिलता है रिस्पॉन्स। ओके, तो यहां पर आप देखिए, इसको पढ़ाने से पहले मैं छोटा सा एक और टॉपिक आपसे डिस्कस कर लूं कि जिस टेक्नोलॉजी को आप पढ़ने जा रहे हैं, विद द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी यू कैन डेवलप वेब एप्लीकेशन, इवन मोबाइल एप्लीकेशन, इवन डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कैसे हम इनको यूज करेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फोकस्ड होकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि एक क्लाइंट साइड है और एक सर्वर साइड एप्लीकेशन है। ओके, तो क्लाइंट और सर्वर, मतलब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दी और सर्वर ने आपको क्या दिया, रिस्पॉन्स, राइट। तो अब इस पूरे प्रोसेस में आप समझे, तो एक वेबसाइट का वो पार्ट जिसका एग्जीक्यूशन क्लाइंट मशीन पे होता है, क्लाइंट मशीन पे मतलब क्लाइंट मशीन का जो ब्राउजर है वो आपकी वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर पार्ट को एग्जीक्यूट करता है, जिसमें आपका HTML सबसे प्राइम है। कि HTML का जो कोड है, हम हमेशा बोलते हैं HTML इज अ क्लाइंट साइड एप्लीकेशन, कि HTML के कोड को एग्जीक्यूट करता है आपका ब्राउजर इंजन, ठीक है। लेकिन मतलब एक वो पार्ट जो क्लाइंट मशीन पर एग्जीक्यूट होता है, इसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन, और वो पार्ट जो सर्वर मशीन पर एग्जीक्यूट होता है, इसको हम बोलते हैं सर्वर साइड एग्जीक्यूशन, क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन एंड सर्वर साइड एग्जीक्यूशन, राइट। तो क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन में हम किसकी बात करते हैं, HTML की, क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन में हम किसकी बात करते हैं, जावास्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट की, राइट। कि जावास्क्रिप्ट व्हेन इनिशियली केम, इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर डेवलपिंग अ वेब एप्लीकेशन। कि कोई भी वेब एप्लीकेशन जब डेवलप करना है, तो आप देखिए उसमें HTML, CSS का क्या रोल है, उसमें जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है, दो मिनट में इसको जरा हम कवर कर दें। तो आप देखिए, यदि मान लो एक सिंपल से बटन की बात करें, तो बटन का स्ट्रक्चर डिजाइन करना यह किसका काम है, HTML का। लेकिन इस बटन का लुक एंड फील कैसा होगा, किसका कलर कैसा होना चाहिए, ब्लू होगा, व्हाइट होगा, ग्रीन होगा, इस पे फॉन्ट किस तरीके से आपका क्लिक किस फॉन्ट में आएगा, मतलब लुक एंड फील कैसा रखना है, ये डिसाइड करता है CSS। लेकिन इस बटन के क्लिक करने पर क्या करना है, ये डिसाइड करता है जावास्क्रिप्ट।
ठीक है, यदि आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो यू नो जावास्क्रिप्ट इज बेसिकली यूज टू मेक एन एप्लीकेशन डायनेमिक। अगर आपको इंटरेक्टिव पेज बनाना है, डायनेमिक पेज बनाना है, सो दैट वी विल गो फॉर जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट, राइट। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट आया तो इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड एप्लीकेशन, और वो इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करता है आपकी क्लाइंट मशीन का ब्राउजर, जो कि क्रोम के केस में है V8 इंजन, और जो कि फायरफॉक्स के केस में है योर स्पाइडर मंकी, राइट। तो V8 इंजन जो है, हम क्रोम को फोकस लेके चल रहे हैं क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी पे मैं बात करने वाला हूं इट इज मोस्टली फोकस ऑन V8। तो V8 जो है, V8 जो ब्राउजर इंजन है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू रन योर जावास्क्रिप्ट कोड। और आप देखिए, यदि आपको जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा भी डाउट है या यू डोंट नो द जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट, आपसे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पे जाइए, कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का कोर्स फ्रीली विद फ्री सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, देन कम टू द नोड जेएस, ताकि आप सीक्वेंस को प्रॉपर फॉलो कर पाए। यदि आपने HTML CSS नहीं पढ़ा है, सो जस्ट गो टू द HTML CSS, आप पहले उसको कंप्लीट कर लें, ताकि आपको ये चीजें टर्म एंड टेक्नोलॉजी एकदम अननोन ना लगे, है ना। और आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो आपका V8 इंजन है, राइट, इसकी हम बात कर रहे थे, दिस V8 इंजन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट द जावास्क्रिप्ट कोड। इसीलिए जावास्क्रिप्ट को क्या बोला जाता था, इट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और इसका नाम भी जावास्क्रिप्ट केवल इसलिए रखा गया क्योंकि जावा की पॉपुलरिटी को देखते हुए इसका नाम जावास्क्रिप्ट रख दिया। अदरवाइज इनिशियली व्हेन दिस टेक्नोलॉजी केम, इट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दो आई थी, VBScript और एक जावास्क्रिप्ट, बट जावास्क्रिप्ट मच सक्सेस एज कंपेयर टू VBScript, राइट, क्योंकि एक Oracle Corporation है, दूसरी Microsoft है, तो Microsoft ने दिया VBScript, Oracle ने दिया JavaScript, तो JavaScript is most of the user ने like किया for client-side application। लेकिन फिर यहाँ पर ये सोचा गया, किसने सोचा? There is a person called Rayan। इस Rayan developer ने ये सोचा कि यार JavaScript के code को केवल browser तक ही restricted क्यों रखा जाए? Why we should not use JavaScript for another languages like Python, Java, .NET, right? तो यहां पर उन्होंने क्या किया, इस V8 इंजन को C++ के साथ डेवलप किया, और यहां पर एक नई टेक्नोलॉजी आई। क्योंकि आप देखिए, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यह बोलता है कि यदि यही V8 इंजन सर्वर पे आ गया, यदि मान लो मैं बात करता हूं V8 इंजन, अरे जावास्क्रिप्ट को चलने के लिए क्या चाहिए, V8 इंजन अगर आपका सर्वर पर आ गया तो जावास्क्रिप्ट का कोड कहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, सर्वर पे। यदि V8 इंजन क्लाइंट ब्राउजर पर है, तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट को इनिशियली बोला जाता था इट्स अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। लेकिन अब बात है, यही V8 अगर मान लो सर्वर की बजाय, यदि मैं V8 को, इसी V8 इंजन को अगर मैं मोबाइल के लिए यूज कर लूं, आई कैन से दैट नाउ दिस जावास्क्रिप्ट रन इन द मोबाइल एप्लीकेशन आल्सो। अगर मैं इसको डेस्कटॉप के लिए यूज कर लूं, सो नाउ आई कैन से दैट जावास्क्रिप्ट नाउ रन इन द डेस्कटॉप एप्लीकेशन आल्सो। तो ये आए जावास्क्रिप्ट के अलग 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 वर्जन। तो ये जो V8 इंजन है, इसको C++ के साथ कंबाइन करके दिस Rayan डेवलप एन अनादर टेक्नोलॉजी कॉल Node.js। इसका नाम उन्होंने दिया Node.js। सो Node.js इज व्हाट, दिस इज व्हाट द टेक्नोलॉजी विच कैन बी यूज टू रन द जावास्क्रिप्ट कोड अपार्ट फ्रॉम योर ब्राउजर। अब आप ब्राउजर के अलावा भी जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सकते हैं। यू कैन रन जावास्क्रिप्ट कोड इन मोबाइल, यू कैन रन जावास्क्रिप्ट कोड ऑन सर्वर। सो मोस्ट ऑफ नाउ वी कैन से दैट कि बॉस, नाउ जावास्क्रिप्ट इज बोथ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड टेक्नोलॉजी के लिए यूज करना है, देन यू शुड गो फॉर Node.js। तो जो बात मैं आपसे कर रहा था कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, यदि आपने HTML पढ़ा है, अगर आपने CSS पढ़ा है, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, और अगर आपने Node.js पढ़ लिया, दैट मींस यू आर अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो अब Node.js के पढ़ने के एडवांटेज क्या है, राइट। अब देखिए, यहां पर अगर आप देखें तो एक एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क करती है ना, एक छोटा सा आर्किटेक्चर आप समझने की कोशिश करो, MVC, है ना, मतलब बहुत बहुत इंट्रोडक्शन वे में मैं इसको समझा रहा हूं आपको। एमवीसी आर्किटेक्चर में एक्चुअली 3 लेयर होती है। सबसे पहले लेयर जिसको हम बोलते हैं व्यू, जहां पर से हम यूजर से डेटा रीड करते हैं, राइट, कि आपने यूजर से डेटा लिया, ओके, और ये यूजर का डेटा आगे हम सर्वर पे पास करेंगे, और ये जो सर्वर पे होते हैं, ये सर्वर पे होता है आपका कंट्रोलर, ठीक है, ये होता है आपका कंट्रोलर। तो ये होता है मेरा व्यू पार्ट, ये कंट्रोलर पार्ट, और जो डेटाबेस एप्लीकेशन होती है, ठीक है, जहां पर आपका डेटाबेस इंटरेक्शन होता है, ये होता है हमारा मॉडल पार्ट। तो अब देखिए, इनिशियली व्हेन जावास्क्रिप्ट केम इन द मार्केट, जावास्क्रिप्ट मैंने आपको क्या बोला था, अब ये देखो आप, ये जो डिजाइनिंग है, व्यू वाला पार्ट है, ये मैंने किसको यूज करके बनाया, HTML CSS।
देन आफ्टर, और इसमें जो वैलिडेशंस थे वो वैलिडेशंस हमने किसको यूज करके लगाए, जावास्क्रिप्ट, राइट, जावास्क्रिप्ट को, क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसको कौन एग्जीक्यूट करेगा, इस मशीन का ब्राउजर इंजन जो कि V8 है। ये जो HTML का कोड है ये आगे कंट्रोलर को दिया। अब यहां कंट्रोलर पे आपके पास अलग अलग टेक्नोलॉजीज, लाइक यू हैव अ जावा, अगर आप जावा की बात करें तो JSP सर्वलेट, अगर आप ASP.NET की बात करें तो यू हैव एन ASP.NET, यदि आप C#.NET, PHP है, पाइथन है, ये टेक्नोलॉजी यूज होती थी सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए, जावा, .NET, PHP, अरे एक कोई भी है ना, सारी नहीं, कोई भी एक, कि अगर आप जावा पढ़ रहे हैं देन स्प्रिंग, इसके अलावा सर्वलेट, JSP कॉन्सेप्ट, यदि आप .NET पढ़ रहे हैं देन यू शुड गो फॉर ASP.NET, PHP, पाइथन, Django, फ्लास्क, ये जो एप्लीकेशन है, और फिर ये कंट्रोलर आगे कम्युनिकेट करते थे किसके साथ, डेटाबेस के साथ। तो हम बोलते थे दिस आर द लैंग्वेजेस, राइट, जावा, जावा में हम JDBC पढ़ते हैं, पाइथन में हम PDBC पढ़ते हैं, पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, .NET डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो ये टेक्नोलॉजी यूज में आती थी। रीजन, ये सब सर्वर साइड एप्लीकेशन है जिनका कोड सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अब यहां पर इन्हीं में एड हो गया है आपका, इन सब की बजाय यदि आपने जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड के लिए पढ़ा है तो विद द नोड आई कैन यूज द सेम जावास्क्रिप्ट कोड टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस। नाउ माय कंट्रोलर इज माय Node.js। तो जावास्क्रिप्ट को मैंने आपको बोला था ना, इफ यू सी द क्लाइंट साइड एप्लीकेशन देन इट इज अ जावास्क्रिप्ट, एंड इफ यू सी द सर्वर साइड एप्लीकेशन इट इज अ Node.js। तो क्या किया इसके लिए, जो V8 इंजन है उस V8 इंजन को अगर मैं सर्वर पर इंस्टॉल कर दूंगा, जो मैंने अभी आपको बताया, ओके, सो दैट नाउ दियर Node.js इज वर्क इन द सर्वर साइड एप्लीकेशन। कि ये तो चलिए सर, हमने बात कर ली Node.js की यूज क्या है, व्हाट इज द Node.js, है ना, रिक्वेस्ट रिस्पांस क्या होता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है सर हाउ इट वर्क्स, कि कैसे Node.js के कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो डोंट वरी, मैं अभी आपको इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताता हूं कि Node.js के कोड को हम मल्टीपल तरीके से रन करेंगे, राइट, लेकिन उसके पहले हमें सबसे पहले नोड को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हाउ टू इंस्टॉल नोड, कैसे हम नोड को इंस्टॉल करेंगे, हार्डली इट टेक्स 3 to 4 मिनट टू इंस्टॉल नोड इन आर मशीन। कि जो भी आप मशीन यूज कर रहे हैं उस मशीन पे सबसे पहले मुझे नोड को डाउनलोड करना पड़ेगा, नोड को डाउनलोड करके मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ओके, एंड देन आफ्टर विल स्टार्ट टू वर्क विद द नोड। कि उसके बाद हम नोड पे वर्क करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है, कि नोड के प्रॉम्प्ट पे जाके हम नोड को रन कर सकते हैं, वी कैन रन द नोड एप्लीकेशन ऑन नोड पेड ऑल्सो, इवन वी कैन रन द नोड पेड सॉरी नोड एप्लीकेशन ऑन VC आपका VS Code में आप इसको यूज कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को आप यूज कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ एडिटर, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप हमारी आगे की कहानी है। पहली स्टेप में आपको ये समझ में आए कि व्हाई वी शुड गो फॉर अ नोड एप्लीकेशन, कि क्यों हम नोड पढ़ने वाले हैं, नोड की जरूरत क्या पड़ी, कि वेन ऑलरेडी देयर आर टेक्नोलॉजी। लेकिन अब यहां पर आप देखिए, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन द इंटरव्यू, कि Node.js में और जावा में क्या डिफरेंस है, बोथ आर द सर्वर साइड एप्लीकेशन, Node.js में और आपका पाइथन में क्या डिफरेंस है, ओके, तो ये बातें नो डाउट आगे मैं करने वाला हूं। एप्लीकेशन वाइज अगर हम बात करें, परफॉर्मेंस वाइज अगर हम बात करें, तो Node.js इज मच बेटर देन दिस टेक्नोलॉजी, वो कैसे है, ठीक है, ये सारा डिस्कशन हमारा आगे का रहेगा। लेकिन आज की इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम केवल एक सीक्वेंस की बात कर रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, ओके। अब इसके बाद आप देखिए, ये तो भी हमने बात की, तो अब इसको अगर हम छोटा सा एक डेफिनेशन वाइज बात करें, तो इट इज नॉट अ लैंग्वेज, है ना, Node.js इज एन एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, इट इज नॉट एन स्पेसिफिक लैंग्वेज, ओके, तो है ये भी स्क्रिप्टिंग, अगेन इट इज एन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट, तो हम बोलते हैं नोड जावास्क्रिप्ट, Node.js मतलब इट इज अ नोड जावास्क्रिप्ट, ओके। ऐसे ही आप देखिए, मतलब जावास्क्रिप्ट के अलग अलग वर्जन आए, लाइक लाइब्रेरीज यू कैन से दैट Node.js है, React.js है, देन Electron.js है, इफ यू गो फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन इन जावास्क्रिप्ट देन यू शुड गो फॉर React.js कॉन्सेप्ट, यदि आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे जाना है तो आपको Electron.js को यूज करना पड़ेगा, यदि आप सर्वर साइड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, डेटाबेस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, देन यू शुड गो फॉर Node.js कॉन्सेप्ट। तो ये जावास्क्रिप्ट के अलग 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 जिसको बोल सकते हैं वर्जन डेवलप हुए, जिनको यूज करके नाउ वी कैन यूज एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग अ सिंगल जावास्क्रिप्ट, ओके। तो ये सबसे दूसरे इंपॉर्टेंट बात, इट इज एन ओपन सोर्स फ्रीवेयर, तो इसकी अपनी एक कम्युनिटी है, ठीक है, इट्स एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी एंड इट्स अ फ्रीवेयर, सो देयर इज नो नीड टू परचेस एनी लाइसेंस सॉफ्टवेयर टू इंस्टॉल नोड इन आर मशीन। जो अभी हम देखेंगे कि आपको कुछ नहीं, सिंपल गूगल पे जाके डाउनलोड Node.js टाइप करना है, जो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट आएगी वहां से हम Node.js को डाउनलोड करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे और फटाफट इसको रन करना शुरू कर देंगे, राइट। और मेरे जैसे मैंने भी आपको बताया, इट यूजेस V8 इंजन टू एग्जीक्यूट द कोड, कि जो V8 इंजन है वही ये
नोड जेएस यूज करता है कोड एग्जीक्यूशन के लिए कैसे, वो भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं, डोंट वरी। तो आई होप इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि नोड जेएस को क्यों पढ़ना है। बिलीव मी, HTML, CSS, JavaScript, Node.js. यदि आप एक कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो दिस फोर टेक्नोलॉजी यू मस्ट अंडरस्टैंड, राइट। तो इसके बाद आपको किसी भी अदर टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये मेरी श्योरिटी है। नीदर यू रिक्वायर्ड एनी पाइथन, नीदर यू रिक्वायर्ड जावा और .NET और C#, ओनली वन सिंगल टेक्नोलॉजी JavaScript एंड इट्स अ डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज लाइक Node.js, React.js और Electron.js। तो एक ही में चलो ना यार, क्यों बार बार टेक्नोलॉजी बदले हम, है ना। तो चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे इसी नोड जेएस को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, राइट आवर फर्स्ट एप्लीकेशन यूजिंग नोड जेएस। ओके, तो हाउ टू राइट द फर्स्ट एप्लीकेशन यूजिंग नोड जेएस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और शुरुआत करेंगे इंप्लीमेंटेशन की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।